हाय नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के परिवार पर सूर्य देव का कृपा बना रहे ऐसा हम कामना करते हैं दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन से। दोस्तों कल के डेट में हमने इस टॉपिक पे, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस टॉपिक पे हमने वीडियो बनाया था। ये टॉपिक आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हो सकता है आपको ब्लर दिखाई दे, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। टॉपिक क्या था कल का दोस्तों? तो एक सूचना, यानी कि एक सूचना आया था, यानी कि कोई दूसरे लोगों के द्वारा, यानी कि कोई होंगे जो कि जानकार लोग, वो अपने बिहाफ पे इकट्ठा किए जानकारी पूरे 3800 जिला का, और सभी जिला में कितने सीट थे, पीआरटी में केवल प्राइमरी टीचर में कितने सीट थे, और कितने लोगों ने उस सीट को ग्रहण किया, और कितने सीट जो है वैकेंट रह गए, उनके द्वारा एक अनुमानित नहीं, एक सूचना जो जानकारी यानी प्राप्त करके एक पीडीएफ बनाकर उन्होंने शेयर किया सभी के पास। ठीक है, मैंने कल ही वीडियो में भी कल बताया था कि दोस्तों ये कहीं भी शिक्षा विभाग या फिर बीपीएससी के ऑफिशियल साइट्स पे नहीं है, ये कहीं दूसरे जगह से आया है, जिन्होंने अपने स्रोत के द्वारा जो है जानकारी प्राप्त करके पूरे तरह से वो इकट्ठा जानकारी को एक जगह संग्रहित किया था। हमने इसको कंफर्म भी नहीं माना। कल में हम आपको वीडियो में भी बताए थे कि कल जो है ये जो उस अनुसार से 4619 सीट बता रहे हैं कि खाली है पीआरटी में, लेकिन बहुत सारा सीट जो है 10% तो आपको नियोजित शिक्षक ही ज्वाइन नहीं किए हैं, लमसम माना गया है, तो उसका सीट हो गया। प्लस आपको डीबी में 10% जो 1,20,000 में डीबी 10% नहीं कराए थे, उसका सीट बचा हुआ था। तो बहुत सारे सीट तो ऐसे बचा हुआ था जो कि हम कल के वीडियो में हम आप लोग को बताए ही थे कि दोस्तों कि ये वीडियो मतलब कि जो हमने सीट के बारे में बताए थे कि ये सीट जो है 15 से 20 हज़ार तक खाली होने का अनुमान है, लेकिन इस सूचना के अनुसार जो आप देख रहे हैं अभी भी स्क्रीन पे, के अनुसार 4619 केवल पीआरटी में खाली बताया जा रहा है। तो बहुत सारे हमारे देखने वाले जो है वीडियो कमेंट कर रहे हैं कि फलना है, फेक न्यूज है, ये है। तो भाई मैंने नहीं कहा था ये फेक न्यूज है, या मतलब हमने तो पूरा इसको मोहर नहीं लगा दिए थे, हमने कभी इस वीडियो में अपना कहा भी नहीं था कि ये जो जो सूचना है, ये जो नोटिस है कोई शिक्षा विभाग के पोर्टल पे है या फिर आपका बीपीएससी के पोर्टल पे, ऐसा तो हमने कभी कहा ही नहीं। आप मेरा वीडियो पूरा देखते नहीं है, थोड़ा बहुत क्लिप मारे फटाफट कमेंट कर दिए, तो कम से कम आप टीचर है और सोच समझदारी आप में 100% होनी चाहिए, तो इस पर आप लोग थोड़ा बात पर अमल कीजिए। क्या वीडियो देख कर ही हर चीज़ देखिए, कमेंट करने से पहले क्या होता है ना, टोटली वीडियो को देखिए क्या वो बंदा क्या बोल रहा है। आप थोड़े से क्लिप देखकर आप डायरेक्ट जज कर लेते हैं। हमने तो कभी भी 100% का मोहर भी नहीं मारा था कल के वीडियो में कि हाँ आपका इस पर जो है 100% ये सच न्यूज है। कैसे सच न्यूज हम मान लेते, जब तक ले मान के चलिए कोई ऑफिशियल कहीं साइट पे अगर नहीं है तब तक ले तो कोई सच न्यूज नहीं मान सकता है। अरे हम जैसे आप जैसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो अपने जानकारी जो है अपने स्रोत के द्वारा जानकारी इकट्ठा किए, हाँ फलना ब्लॉक में कितना हुआ, कितना था, मुजफ्फरपुर, पटना, तमाम 3800 जिला में सभी लोकल लिंक लाइन है। इससे का मतलब एक ही आदमी का सब जगह लिंक लाइन नहीं है, मेरा उसके साथ है, उसका उसके साथ है, इस तरह से चैन बनता है, सारा चीज तो चैन का खेल है। किसी का सूचना अगर आपके पास नहीं प्राप्त है तो किसी और से पूछते हैं, उसका किसी और से संपर्क होता है, इसी तरीके से सूचना प्राप्त हो जाता है। और दो चार बात और भी है कि हाँ 82 नंबर वाले जो सीटेट वाले हैं, तो देखिए दोस्तों 82 नंबर का सीटेट यानी 4 जिला जो है अरवल जिला में 82 नंबर वालों को छाटा गया है, ये बात सच है। और आप पर बीता हो सकता है आपका 82 नंबर होगा, इसीलिए ज्यादा आपको मिर्ची लगा होगा कि नहीं 82 नंबर को छाटे हैं, तो 82 नंबर को छाटा है कोई जिला में तो आप उसको ठुकरा नहीं सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना बोला गया कि हाँ 3800 जिला में ठुकरा दिया गया है, 4 जिला वाला नहीं लिया है, शायद उससे गलती हो गया होगा, 4 जिला को ले लेगा फिर, क्योंकि तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है मान्यता है बिहार वाले के लिए, अब बाहर वाले के लिए थोड़ी ना है। जहाँ मान लीजिए अदर स्टेट वाला है तो अदर स्टेट वाले को 90 नंबर तो सीटेट में चाहिए ही, उससे कम तो चाहिए नहीं, तो उसको के लिए तो वो है, लेकिन बिहार वाले के लिए तो भाई
जो ईबीसी है, जो ओबीसी एनसीएल में है और जो एससी एससी है, ओबीसी एनसीएल वाले को तो 82 नंबर पर पासिंग है सीट, और एसटी एससी का तो 76 नंबर है, 75 नंबर पर पासिंग है। तो बिहार सरकार द्वारा जिनको रिलैक्सेशन प्राप्त है, जिनको अगर उनको जो छूट दिया गया है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन हो सकता है वो उनका वहाँ के अधिकारी को गलती हो गया होगा और उनका जो है बोल दिया होगा कि नहीं 82 नंबर को चयन ही किया जाएगा, ऐसा भी है, उनका तो चयन होना ही है इसके लिए। लेकिन ऐसा बात, ये गलत न्यूज नहीं था कि हाँ 82 नंबर का जो है आपका चयन नहीं किया है, 100% जो है आपको चयन जो है नहीं किया है 100% चार जिला में। आप लोग आप नहीं है तो उस कल के वीडियो में कमेंट देखिए, कम से कम 3-4 जो चयन जिसका नहीं हुआ वो भी कमेंट किए हुए हैं, ठीक है। आप लोग देखिए, ऐसे ही लोग कमेंट नहीं कर देता, और लोगों के पास फालतू टाइम नहीं है कि ऐसे ही अपने मन से कुछ चीज़ का वायरल करे फालतू का, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखिए, हमारे तरफ से जो भी जानकारी आपको मिलता है आपको सही मिलता है, कहीं भी किधर से भी कोई गलत नहीं। इसके पहले हमने आपको वीडियो में बताया था कि 1-5 में 80 मार्क्स का जो है, जो आपको जो PDF में बताया गया था कि लैंग्वेज 2 हो गया है पेपर, ऐसा हमने उसी समय बोला था कि नहीं, PDF में कोई गड़बड़ी हुआ है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हाँ आपका 2 लैंग्वेज हो जाए, कभी हो ही नहीं सकता है। आप 1-5 के हैं तो कैसे होगा, ठीक है। तो यही बात है, सही हुआ ना, कल होके PDF तैयार हुआ, फिर से नया अपलोड हुआ, आप आ गया पहले जैसा सिलेबस। तो यही बात है, जो भी है आप लोग वीडियो देखकर ही कमेंट करें, क्योंकि जो भी वीडियो आप देखिए, हाय 2-3 लोग जो होते हैं, 2-3-4 लोग जो होते हैं कहीं भी आ ही जाते हैं, ये तो निश्चित है। ये हमारे छोड़िए, हमारे पास क्या सब्सक्राइबर है, अभी तो 3,000 भी नहीं पूरा है, और जिनके पास 2-2 लाख 5-5 लाख सब्सक्राइबर है, 1-1 बिलियन सब्सक्राइबर है, वहाँ भी छेड़ देते हैं ये लोग कुछ, है ना। उन लोगों का तो कुछ कहना ही नहीं अलग है, कुछ जानकारी होता नहीं है, सीधा बक देते हैं जो बकना है। तो यही बात आपसे इस वीडियो में कहना था कि दोस्तों की अगर वीडियो देखिए तो पूरा पूर्ण रूप से देखकर कमेंट करें, ठीक है। और रही बात, आपको मैं जो है, आपका मर्जी है कि आप हमारे वीडियो को देखिए या ना देखिए, ये आपके ऊपर है। हम लोग आप लोगों को प्रेशर थोड़ी ना बना रखे हैं कि आप हमारा ही वीडियो देखिए, जिनको जो नहीं पसंद है वो मत देखे ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।